नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज में शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। भारत में स्वच्छता अभियान के जनक संत श्री गाडगे महाराज का जन्म दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस उपलक्ष्य में अखिल भारतीय धोबी महासभा के द्वारा एक विशाल चल समारोह का आयोजन पशु चिकित्सालय हाटोड से प्रारंभ किया गया, जो कि निचला बाजार, सदर बाजार, सुगम चौराहा, नई सड़क, जैन मंदिर होता हुआ संत गाडगे भवन, बूढ़े बालाजी पहुंचा। इस शोभा यात्रा में समाज के वरिष्ठ जन आगे ध्वज लेकर चल रहे थे। साथ ही समाज के सभी पुरुष, महिलाएं, युवा एवं बच्चे भी इस चल समारोह में बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस चल समारोह का जगह जगह स्वागत भी किया गया। वहीं हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा भी संत गाडगे के चल समारोह का स्वागत हाटोड पर किया गया। तत्पश्चात ये चल समारोह संत गाडगे भवन पर एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में गुना विधायक पन्नालाल शाक्य एवं नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सलूजा शामिल हुए। इस समारोह में समाज के प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया। वहीं युवा संगठन द्वारा जो प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, उनके विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। इस समारोह में वक्ताओं एवं अतिथियों ने संत गाडगे जी के जीवन पर प्रकाश डाला। संत गाडगे जी के जीवन के आदर्शों पर चलने की सभी समाजजनों ने अपील की। इस अवसर पर अखिल भारतीय धोबी महासभा के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समाज के महिला, पुरुष एवं गणमान्य नागरिक शामिल रहे। माननीय सम्माननीय आए और मंच पर स्थान ग्रहण करें। माननीय पन्नालाल जी शाक्य आए अपने मंच पर स्थान ग्रहण करें। हमारे विधायक जी के साथ में आए हुए हमारे सम्माननीय श्री रिंकू जी भी मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। ये संतों की वाणी है, संत ये परंपरा चाहते एक समाज एकता के सूत्र में बना रहे और ये एकता का सूत्र आपको बहुत अच्छी तरह बांध के रखना है तो समाज में एक नई एक प्रचलन हो जाएगा। दूसरा एक और निवेदन करूंगा कि जिस बस्ती में अपने अपने समाज की घनी बस्ती हो, 12,000 है तो 12,000 के पद एक दो तीन तीन ब्लॉक टुकड़े बना लो। दिन नहीं जा सकते कोई बात नहीं, मत जाओ। 15 दिन 7 दिन में भी नहीं जा सकते, मत जाओ। महीने भर में मत जाओ, लेकिन जिस दिन त्योहार या किसी महापुरुष की जयंती पड़ती हो, रामनवमी, कृष्णाष्टमी, दशहरा है, दुर्गाष्टमी है, ये संत जी की जयंती है, ऐसे और बहुत बहुत संत आते, उन दिनों की अपनी परंपरा तय कर लो। एक व्यक्ति जब चालू हो जाएगा तो समाज उसके पीछे अपने आप चलने लगेगा जैसे संत जी के पीछे चला। रोटरी क्लब गुना रॉयल के तत्वावधान में आयोजित किया गया विशाल रक्तदान शिविर। रोटरी क्लब अंतरराष्ट्रीय के 113वें स्थापना दिवस के समारोह पर रोटरी क्लब के सदस्यों ने रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर का आयोजन एक समाज सेवी ग्रुप द्वारा किया गया। इस समाज सेवी ग्रुप के संचालक काके ने बताया कि समय समय पर ग्रुप के मेंबर रक्तदान करते रहते हैं एवं समाज सेवी कार्यों में भी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और युवा जागरूक बहुउद्देशीय समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। हमारी समिति समय समय पर इस तरह के सामाजिक कार्य करती रहती है और करती भी रहेगी। रोटरी क्लब के
113वें अंतर्राष्ट्रीय स्थापना दिवस के अवसर पर आज हमने युवा जागरूक बहुउद्देशीय समिति के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जो कि प्रतिवर्ष 23 फरवरी को हम लोग करते हैं और इनके सहयोग से हम आगे भी प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर आयोजित करने का संकल्प किया। आशा कार्यकर्ताओं ने थामा सीटू का हाथ। आशा कार्यकर्ताओं ने सीटू यूनियन के बैनर तले हॉस्पिटल गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। आशा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि अधिकारी अपना मतलब निकालने के लिए तो आशा कार्यकर्ताओं को उपयोग में ले लेते हैं, जिसके बदले में बहुत कम मानदेय इन लोगों को मिलता है। वहीं इतने कम मानदेय में इस महंगाई के समय में किस तरह से घर चलाया जाए, घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं एक आशा कार्यकर्ता ने तो यहां तक कह डाला कि उन्हें तो शर्म आती है अपने बच्चों के सामने इतना थोड़ा सा पैसा ले जाने में, क्योंकि उनके बच्चे अब बड़े हो रहे हैं। इस धरना प्रदर्शन के बाद CMHO रामवीर सिंह रघुवंशी को एक ज्ञापन भी दिया गया, जिसमें मांग की गई कि इनका मानदेय जल्द से जल्द बढ़ाया जाए। अगर मानदेय जल्दी नहीं बढ़ाया जाता तो उग्र प्रदर्शन की भी बात कही। इतनी जानकारियाँ ये पता नहीं था किसी को भी कि आशा आगे चलकर इतना बढ़ेगी, लेकिन फिर भी प्रोत्साहन राशि के बेस पर आज वो काम कर रही। यहाँ पर आओ तो अपमान भी सहना पड़ता है, तो ये एक नारी के लिए बहुत अहित की बात है। मैं चाहूँगी कि हमारे CMHO सर आगे हमारा ज्ञापन दें और हमारी मांगों को लेकर। संविदा कार्यकर्ताओं की हड़ताल का आज पांचवा दिन। अपने इस पांचवें दिन पर आज वित्त मंत्री की सद्बुद्धि के लिए हवन एवं कीर्तन का आयोजन रखा गया। इस प्रदर्शन का आयोजन स्थानीय शास्त्री पार्क के बाहर रखा गया, जहां पंडित लखन शास्त्री ने हवन कराकर यह कामना की कि वित्त मंत्री को जल्दी सद्बुद्धि आए, जिससे वे इन कार्यकर्ताओं को नियमित करें। आपको बता दें कि कुछ समय पूर्व वित्त मंत्री ने यह बयान दिया था कि इन कार्यकर्ताओं को नियमित नहीं किया जाएगा। हड़ताल का हमारा पांचवा दिन है और वित्त मंत्री की सद्बुद्धि के लिए आज हम लोग यहाँ पर हवन करवा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि हम आपको नियमित नहीं करेंगे, तो इसलिए हम उनकी सद्बुद्धि के लिए व्रत कर हवन करवा रहे हैं। इसके बाद भजन होंगे। गायत्री मंदिर परिसर में आज फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आयोजित किया गया महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु शिविर। इस शिविर के माध्यम से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के गुर भी सिखाए गए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी बनाना था। साथ ही ये बताया गया कि जो महिलाएं समूह के साथ में पैसा लेती हैं, कुछ कर नहीं पाती, उन महिलाओं को इस शिविर में खास तौर पर बुलाया गया। साथ ही ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह से वे महिलाएं खुद का रोजगार तैयार कर सकती हैं और पैसा कमा सकती हैं। जो भी फाइनेंस होता है वो बैंकों के माध्यम से होता है, पूरे परिवार का पालन पोषण कर लेते हैं। जहाँ पर ये बात सोचते हैं कि अगर पूरे परिवार का जो भी लोन मिला है उसे पूरे परिवार का पालन पोषण कर लेंगे,
वहीं से अपनी तब आपको उसको मूल रूप से जिस काम को कर जो चुना है उसको आपको करना चाहिए। इससे भी क्या है कि आपको जो है उसमें बहुत माइक्रो फाइनेंस के तहत कार्यक्रम करवा गया है। ये महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए ये कार्यक्रम है, CSR एक्टिविटी है। हम लोग फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की तरफ से उन लोगों को समूह में लोन देते हैं, जिसकी वजह से वो लोन उनका सही जगह सुनिश्चित जगह पैसा उपयोग नहीं हो पाता है। तो उसके तहत अब हम उनको चाहते हैं कि CSR एक्टिविटी के तहत उनको स्वावलंबी बनाया जाए। हम प्रोग्राम करवा रहे हैं उन लोगों के लिए। कहीं पर हमने महिलाओं को दोना पत्तल का प्रोग्राम भी करवाया है, यहाँ पे अभी हमने पेपर बैग मेकिंग का प्रोग्राम करवाया है उनको, और कहीं पे हमने चटाई बनाने का, जिससे कि वो एक रोज़गार सुनिश्चित करें और वो आगे बढ़े और उनका परिवार आगे बढ़े। बस इसी के तहत फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस काम कर रहा है उनके लिए। दो दिवसीय रोजगार मेले का आज हुआ समापन। स्थानीय PG कॉलेज में दो दिवसीय रोजगार उन्मुखी करियर मेले का आयोजन किया जा रहा था, जिसका कि आज समापन किया गया। मेले को जिला स्तरीय लेवल पर लगाया गया था। इस मेले में कई युवाओं ने रोजगार से संबंधित जानकारियां ली एवं लाभ उठाया। मेला लगा था कॉलेज में दो दिन के लिए 22 और 23 को, आज इसका समापन है। दीपाली दुबे के निर्मम हत्या के मामले में आज PG कॉलेज में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित किए गए इस श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मांग की कि जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी की जाए। आपको बता दें कि 15 फरवरी को अपने घर से कॉलेज के लिए गई दीपाली अचानक लापता हो गई, जिसका शव 17 तारीख को बेतवा नदी में मिला था। दीपाली निवाड़ी के एक कॉलेज में BSc सेकेंड ईयर की छात्रा थी। बताया जा रहा है कि 15 फरवरी को घर से कॉलेज के लिए निकली दीपाली अचानक गायब हो गई, जिसको काफी ढूंढने के बाद जब उसके घर वालों को नहीं मिली तो उन्होंने कोतवाली जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। हालांकि पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को पूछताछ के लिए थाने बुलवा लिया है, लेकिन मीडिया से कोई पुलिसकर्मी कुछ भी कहने को तैयार नहीं। वहीं इस शव को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस बेरहमी से दीपाली की हत्या की गई है। बड़ी बहन दीपाली जी निवाड़ी कॉलेज की मध्य प्रदेश की द्वितीय वर्ष की छात्रा की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है, उसके लिए ये उनके परिवार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक बहुत चिंतनीय विषय है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने के द्वारा आज उनको श्रद्धांजलि दी गई है, और हम ये विषय उठाते हैं कि जिस तरह से उनकी निर्मम हत्या की गई है उसके लिए पूरी तरीके से जाँच होना चाहिए और उनके हत्यारों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 100% गर्भवती स्त्रियों का रजिस्ट्रेशन कराए जाने एवं किसी भी तरह से कोई बच्चा कुपोषित ना रह पाए, इसकी भरसक कोशिश की जाए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलेक्टर राजेश जैन ने की। सबके पास वजन मशीन है, सबके पास एमएससी टेबल है। तो बात करेंगे, गुना छतरपुर एक चंबा है हिमाचल प्रदेश में, वो यादगिरी एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में, वो चार जिले महिला बाल विकास मंत्रालय ने दी है भारत सरकार। कारण बहुत छोटे छोटे से हैं, आप सबको मालूम है, आप सबके क्या कर्तव्य मालूम है। आपकी सबसे पहली ड्यूटी है कि आंगनबाड़ी खुले और बच्चे आए, बेसिक काम है, लेकिन वो नहीं हो रहा है। आंगनबाड़ी खुल रही है लेकिन बच्चे कम आ रहे हैं, 10 दिख रहे हैं, कभी 12 दिख रहे हैं, कभी 15 दिख रहे हैं। बच्चों को नाश्ता भी मिलना है, खाना भी दोपहर का मिलना है, शाम का 3 बजे का भी मिलना है, वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो तीनों का मिला के एक हो जाता है,
कितने लोग तीन मील्स दे रहे हैं, कोई हाथ उठा सकता है? मैं उस आंगनबाड़ी को चेक करना चाहूंगा कि वो तीन मील्स दे रहे हैं, तीन टाइम खाना जो दे रहे हैं, बताए कोई बात नहीं, चलिए वेरी गुड, इनके नाम बताए इनका तो फिर मेरे को पता है, दे रहे हैं तीन मील्स, चलिए वेरी गुड। देखिए अब कितनी आंगनबाड़ी है शहर में, 168, कितने हाथ उठे, 6 या 7, चलिए हाथ उठाओ मैं गिन लूं। कुपोषित तो बच्चे हैं, ये बात भी सही है कि वो केवल आंगनबाड़ी के खाने से उसको सुपोषित नहीं होगा, लेकिन एक हम उसको गाइडलाइन दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आके बादाम खाए, जरूरी नहीं है कि वो आके सेब खाए, जो भी चीज सुगमता से उसके घर के आसपास जहाँ जिस परिवेश में वो रहता है, जो सब्जियां मिलती हैं उसको, जो फल मिलते हैं, अमरूद के समय में अमरूद मिलता है, बेर के समय में बेर मिलता है, खरबूजे के समय में खरबूजा मिलता है, ककड़ी के समय में ककड़ी मिलती, जो भी मिलता है वटेवर, जो सब्जियां उपलब्ध है, मटर हो चाहे गाजर हो चाहे आलू, वटेवर, यहाँ पे सबसे अच्छा सबसे कम हो अच्छा। दो चीजें ध्यान देनी है, कुपोषण उन बच्चों के बारे में जैसे किसान बता रहे थे कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के नगरीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें मुख्य रूप से जोर डाला गया कि सभी महिलाएं 100% गर्भवती माताओं का पंजीयन करें, 100% प्रथम संस्थागत हों, और बच्चों का जो डिलीवरी जो वो टीकाकरण की सर्जरी होती है वो 100% हो, इसके अलावा कोई भी बच्चा कुपोषित ना, इसमें दोनों विभाग मिलकर काम करें। जिन माता पिता के एक बेटी या फिर दो बेटियां हो, आज उन्हें रेड क्रॉस भवन में बुलाकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बताना था कि बेटे ही नहीं बेटी भी वंश आगे बढ़ाने में काफी कारगर साबित होती हैं। सिर्फ बेटे ही वंश आगे नहीं बढ़ाते बल्कि बेटियों को भी अपने वंश के लिए जरूरी बताया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर राजेश जैन, CJM, जिला कोर्ट रजिस्ट्रार आदि लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं इस मौके पर कलेक्टर राजेश जैन ने बताया कि बच्चों की भी समाज में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस कार्यक्रम में उन सभी माता पिताओं को जिन्होंने एक बेटी या फिर दो बेटियों के बाद ऑपरेशन करा लिया है, उनका सम्मान किया गया। बात करें हमारी संस्कृति में स्त्री को सदैव कुछ माना है, हम शक्ति की आराधना करते हैं, दुर्गा की आराधना करते हैं, माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, ज्ञान के लिए हम सरस्वती की आराधना करते हैं, धन के लिए लक्ष्मी की आराधना करते हैं, हमारे घर सीता सावित्री अनुसुईया इनके उससे भरे हुए हैं, उनके उदाहरणों से भरे हुए हैं, लेकिन क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें आज जरूरत पड़ रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाने की जरूरत पड़ रही है? अरे भाई बेटी नहीं होगी तो बहू कहाँ से लाओगे, सृजन कहाँ से होगा, सृजन की शक्ति प्रकृति ने केवल स्त्री को दी है। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में और भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, 2001 की जनसंख्या में 927 बेटियां 1000 बेटों के, एक या दो बेटी वालों का सम्मान का कार्यक्रम रखा है। इसमें माननीय न्यायाधीशगण CJM मैडम वर्मा जी, जिला कोर्ट के रजिस्ट्रार मिश्रा जी, हमारे कलेक्टर सभी आए हैं। आज हम उनका सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने एक या दो बेटी के बाद में ऑपरेशन करा लिया है ताकि वो समाज के लिए उदाहरण।
एक निजी न्यूज चैनल के सम्मान समारोह में आज शहर के कई गणमान्य हस्तियों का सम्मान किया गया। संत श्री गाड़के जयंती के उपलक्ष्य में एक निजी चैनल के द्वारा स्थानीय मानस भवन में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा मौजूद रहे। साथ ही समाज सेवी ओएन शर्मा, महेंद्र सिंह केरार आदि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कुछ चुनिंदा पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत भी किया गया। साथ ही कुछ चुने हुए पत्रकारों को भी यहाँ पर सम्मानित किया गया। महत्वपूर्ण योगदान देके हमें समाज को बहुत आगे लेके जाना है। महिलाओं की विडम्बना, महिलाएं आगे नहीं आ पा रही हैं समाज में, सबसे बड़ी विडम्बना है, तो उनको आगे लाएं शिक्षा के क्षेत्र में। कहना चाहूंगा कि जितना हो सके समाज के काम में योगदान दीजिए। धन्यवाद। जय भारतीय, जय महासमाज। सौभाग्यशाली दिन और गौरव में भी है कि आज हमारे रजत समाज के राष्ट्रीय संत गाड़के बाबा की जयंती है। गाड़के बाबा ने समाज को आगे ले जाने में। अंबेडकर युवा ग्रुप गुना के तत्वावधान में चल रहे टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आज समापन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन परवाह में किया जा रहा था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी डॉक्टर ओपी त्रिपाठी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर प्रथम पुरस्कार 50,000 एवं द्वितीय पुरस्कार 25,000 विजेता टीमों को दिया गया। जो मेहमान हमारे सहयोगी मित्र मेरी आवाज सुन रहे हो हल्की, तो थोड़ा सा अपना साउंड कम कर ले हल्के। विशेष आग्रह आपसे भाई, हल्के कमेटी के सदस्य थोड़ा जब जाए और थोड़ा वॉल्यूम कम करवा दें, और अतिथियों द्वारा बहुत ही सुंदर श्रद्धांजलि कार्यक्रम चलता हो। आश्री टीम है, एकता टीम या एकता के द्वारा, जो एकता क्रिकेट टीम के द्वारा मैच कराया जा रहा है, और ग्राम के खिलाड़ी थे स्वर्गीय रघुवीर सिंह किरार जी, उनकी स्मृति में ये टूर्नामेंट हो रहा है। और अजरोड़ा में चल रहा है, कोहन में चल रहा है, कई जगह चल रहे हैं हमारे, धनोरिया में चल रहा है, पूजा केड़ी में चल रहा है, कितने चल रहे हैं मुझे भी याद नहीं, कितने चल रहे हैं यार, क्या पता। जहाँ पे सब शुरू है वो समापन करने में पहुँच जाते हैं। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्देश्य केवल ये है कि युवा क्रिकेट प्रेमियों को बढ़ाना और उनकी खेल भावना को और उत्साहित करना। जैसा कि जगह जगह जैसे टूर्नामेंट हो रहे हैं, इनमें से जो खिलाड़ी चुने जाएंगे, कुछ अच्छे मतलब जो खिलाड़ी निकलेंगे, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास? बिल्कुल, हम प्रयास करेंगे। अगर कोई प्रतिभा सामने आती है तो उनको बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता में अगर ट्रेनिंग के लिए वो जाना चाहते हैं विशेष प्रतिभा निखारने के लिए, तो मेरी तरफ से उनको स्पेशल जो कुछ होगा तन मन धन से साथ होगा। आपका उद्देश्य मतलब ये भी है कि मतलब खिलाड़ियों की भावना? बिल्कुल बिल्कुल, खिलाड़ियों की भावना को ध्यान में रखकर इस प्रकार के टूर्नामेंट किए जा रहे हैं। भारत स्काउट गाइड जिला संघ गुना द्वारा जिला कमिश्नर स्काउट गाइड संजय श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार स्काउट गाइड के संस्थापक लॉर्ड बेडन पावेल का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें विभिन्न संस्थाओं के स्काउट गाइड उपस्थित रहे। कानूनी अपराध मानते हैं तो किसी को पता ही नहीं चलने देंगे, कर देंगे। तो आप चाहे कुछ भी कहें पर ये शादी तो रुक कर रहेंगे, आप भी कुछ कहें पर ये शादी हम करवा कर ही रहेंगे। तो जल्दी जल्दी बैठ जाओ, नहीं तो मैडम जी आएंगी, अगर वो कुछ कर दीजिए। सुनिए, वो इसी छोटी लड़की का बाल विवाह कर रहे हैं, आप जल्दी चलिए वहाँ पर, बाल विवाह हो जाएगा जल्दी। यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारे बच्चों की शादी हो रही है। आपको दिख नहीं रहा इतने छोटे बच्चे, आप उनकी शादी कैसे कर रहे हैं? हमारे बच्चे, हम कुछ भी कर रहे हैं हमारे बच्चों के साथ कैसे कर सकते हैं? वो देश का भविष्य है, हम पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे तो हमारे देश का विकास होगा। पर समय की बात है, गीला कचरा और सूखा कचरा, और सूखा कचरा, गीला कचरा सूखा कचरा, कचरे के हैं दो प्रकार, गीला कचरा सूखा कचरा, कचरे के हैं दो प्रकार, अलग अलग हम इनको डाले याद रखेंगे हम हर बार, अलग अलग हम इनको डाले याद रखेंगे हम हर बार, बचा हुआ खाना हो, बचा हुआ खाना हो, या फल सब्जी के छिलके,
या फल सब्जी के छिलके, मांस मछली या अंडा हो, मांस मछली या अंडा हो, पेड़ पौधों के पत्ते, पेड़ पौधों के पत्ते, और सूखा कचरा, और सूखा कचरा, प्लास्टिक का सामान, प्लास्टिक का सामान, या लोहा गट्टा चमड़ा, या लोहा गट्टा चमड़ा, कागज का शवर पॉलीथिन कार्डबोर्ड या कपड़ा, कागज का शवर पॉलीथिन कार्डबोर्ड या कपड़ा, गीले और सूखे का रखना ध्यान, गीले और सूखे का रखना ध्यान। खंड स्तरीय अंत्योदय मेले का शुभारंभ आज नगर के आईटीआई प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में उपस्थित नागरिकों को बताया। गौर करने वाली बात तो यह रही कि खंड स्तरीय अंत्योदय मेले का शुभारंभ सुबह 11 बजे का था। हालांकि इस मेले के आयोजकों में जनपद पंचायत सीईओ, एसडीएम और नगरपालिका के सीएमओ सहित अधिकारी मंच पर अतिथियों का इंतजार करते रहे, परंतु अतिथि लगभग 1.5 घंटे के बाद मंच पर नजर आए। अतिथियों में चाचोड़ा विधायक ममता मीना, जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना बल्लू चौहान, जिला पंचायत सीईओ आदि उपस्थित रहे। आज इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विधायक माननीय श्रीमती मीना, ममता मीना विधायक चाचोड़ा, और अध्यक्षता कर रही श्रीमती अर्चना बल्लू सिंह चौहान अध्यक्ष जिला पंचायत गुना, और यहाँ हमारे सभी विशिष्ट अधिकारी और हमारे सभी अधिकारी शर्मा जी, हमारी जिला पंचायत के सदस्य श्रीमती भगवती देवी यादव, हमारे जिला पंचायत के एक्सप्रेस सीओ साहब आदमी नरवरिया जी, हमारे एसडीएम साहब, यहाँ से एक मिनट तुम हो जाओ, मोनाक्षी सैनी, भाग्यश्री कोरी, खुशी अहिवार, वैष्णवी नामदेव, हिमांशी नैर, दर्शिका सुरैया। अपने बोलने की बेबाक छवि को लेकर प्रचलित गुना विधायक पन्नालाल शाक ने आज एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी जनप्रतिनिधि आपका खास नहीं हो सकता है। उन्होंने साफ सुथरे शब्दों में यह कह दिया कि जनप्रतिनिधि केवल आपको एक वोट बैंक की तरह और एक वोटर की तरह ही देखता है और सोचता है कि किस तरह से आपका उपयोग किया जाए। मौका था संत श्री गाडगे जी महाराज की जयंती पर्व पर, जब उन्होंने मंच पर से पूरे समाज बंधुओं के सामने यह बोल दिया कि जनप्रतिनिधि केवल एक वोटर की तरह आपको देखते हैं और वोट बैंक की तरह आपको तलाशते हैं, और साथ ही उनके दिमाग में आपको देखकर यह ख्याल आ जाता है कि आपको किस तरह से उपयोग में लाना है। पहले से बता दें कि अपनी बेबाक छवि के लिए प्रचलित हैं गुना विधायक पन्नालाल शाके, और आज इस तरह का बयान देकर उन्होंने जनप्रतिनिधियों के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि जनप्रतिनिधि अपने आप को सेवा भाव और लोगों का सेवक बताते हैं, जबकि यहाँ पन्नालाल शाके जो कि गुना के विधायक है, उन्होंने साफ सुथरे शब्दों में कह दिया है कि जनप्रतिनिधि केवल उनका उपयोग करते हैं। वहीं उन्होंने संतों से तुलना करते हुए कहा कि संत ही आपके अपने हो सकते हैं, कोई जनप्रतिनिधि नहीं। आइए देखते हैं कि क्या कहा पन्नालाल शाके ने। जनप्रतिनिधि जो होता है वो समाज को जोड़ता नहीं है, वो नहीं जोड़ता, उसकी निगाह में तो केवल वोटर रहता है कि ये कितने वोट हैं, ये मेरे को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो फिर मैं क्या करूं। संत समाज को जोड़ के रखता है, उसकी निगाह में बिल्कुल समरसता का भाव रहता है कि सब लोग समान है मेरे लिए, वो सबको समान आशीर्वाद देता है। ऐसे ही डीजे में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।